नमस्कार, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन। आज की इस लेक्चर में हम टॉप 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है सब्जेक्ट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक सेक्शन से रिलेटेड है, जो कि इंटरेस्ट से रिलेटेड है। इंटरेस्ट के जो आपके सेक्शंस हैं, जैसे कि 34, 35, 35A, 35B, इन सेक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस तो हैं ही हैं और ये ज़्यादातर स्टेट जुडिशियरी में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो हरियाणा की बात करें हम या राजस्थान की, बिहार की। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और हम मूव ऑन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अवॉर्डिंग फ्यूचर इंटरेस्ट इज, अगर फ्यूचर इंटरेस्ट अवॉर्ड किया जाता है तो क्या वो मैंडेटरी है, डायरेक्टरी, डिस्क्रिशनरी या नन? तो आपका करेक्ट आंसर है इसका सी, डिस्क्रिशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, प्रोविजंस फॉर इंटरेस्ट इन सीपीसी हैज बीन मेड, जो इंटरेस्ट के प्रोविजन है वो आपके कहाँ गिवन है, अंडर सेक्शन 32, 34, 35A या फिर 35B? करेक्ट आंसर है इसका बी, अंडर सेक्शन 34। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री, इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट्स अंडर सेक्शन 35B इज मैंडेटरी, डायरेक्टरी, ईदर ए और बी या फिर नन? करेक्ट आंसर है इसका डायरेक्टरी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट्स आर इम्पोज्ड, कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट्स का प्रोविजन कहां पर गिवन है, अंडर सेक्शन 35 या फिर 35A, 35B या फिर कहीं पर भी नहीं, नन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, अंडर सेक्शन 35A। फिफ्थ क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 34 ऑफ सीपीसी द कोर्ट कैन ग्रांट इंटरेस्ट, फर्स्ट ऑप्शन फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट टिल द डेट ऑफ डिक्री या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री टिल रियलाइजेशन, सी बोथ ए एंड बी या डी नीदर ए नॉर बी? इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेक्शन 35A प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ, सेक्शन 35A में किस चीज़ की पेमेंट की बात करी गई है, या फिर कि भाई क्या वो एग्जेम्पलरी कॉस्ट्स की बात करते हैं कि भाई ये पे करना है आपको, इंटरेस्ट पे करना है, कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट या फिर नन ऑफ द अबव? आंसर है इसका सी, कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट्स। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट इन अ सिविल सूट, इज इट सेक्शन 35, सेक्शन 35A, सेक्शन 35B या फिर ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर एट, कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट अंडर सेक्शन 35A कैन बी इम्पोज टू द एक्सटेंट ऑफ, कितने रुपीज तक जो है कॉस्ट लगाई जा सकती है, रुपीज 3000 तक या फिर रुपीज 5000, रुपीज 10,000 या विदाउट एनी लिमिट? करेक्ट आंसर इज ए, रुपीज 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, पेंडेंट लाइट इंटरेस्ट कैन बी अवॉर्डेड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, पेंडेंट लाइट इंटरेस्ट कैन बी अवॉर्डेड, ऑप्शन है आपके ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज या फिर एट द रेट 6%, 9% या फिर 12%? करेक्ट आंसर है इसका ए, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। क्विकली मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट्स कैन बी इम्पोज्ड टू, कॉस्ट किस लिए इम्पोज किए जाते हैं, कॉम्पेंसेट के लिए या फिर रीइंबर्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड, कि जितने भी आपके सूट इंस्टीट्यूट करने में पैसे खर्च हुए हैं उसके रीइंबर्समेंट के लिए, या फिर कॉम्पेंसेट एज वेल एज रीइंबर्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड? डी ऑप्शन, ओनली टू रीइंबर्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड नॉट टू कॉम्पेंसेट। करेक्ट आंसर है इसका सी, कॉम्पेंसेट एज वेल एज रीइंबर्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 35A, सेक्शन 35B, सी सेक्शन 35 या फिर सेक्शन 34? करेक्ट आंसर है इसका 35B, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस्ट्स कैन बी इम्पोज्ड इन, कॉस्ट्स
किस चीज पर इम्पोज की जाती है, मतलब क्या वो एक सूट में इम्पोज की जा सकती है या फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में, सी अ सूट एज वेल एज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, डी ओनली इन अ सूट एंड नॉट इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स. तो करेक्ट आंसर है इसका सी अ सूट एज वेल एज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स. क्वेश्चन नंबर 13, रूल ऑफ डेमडुपैट इज क्या है, ये आपका अ रूल रिलेटिंग टू कॉस्ट, रूल रिलेटिंग टू इंटरेस्ट, रूल ऑफ रेस जुडिकेटा या फिर अ रूल ऑफ एविडेंस. करेक्ट आंसर है आपका अ रूल रिलेटिंग टू इंटरेस्ट, बी, यानी कि बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 14, वेयर अ डिक्री इज साइलेंट एज रिगार्ड फ्यूचर इंटरेस्ट. फ्यूचर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग में अगर कोर्ट ने डिक्री में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो उसका मतलब क्या माना जाएगा? क्या इसका मतलब ये होगा कि फ्यूचर इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड एंड अ सेपरेट सूट शैल लाई फॉर द सेम. बी ऑप्शन, फ्यूचर इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड एंड अ सेपरेट सूट शैल नॉट लाई. सी ऑप्शन, फ्यूचर इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इनएडवर्टेंटली ओमिटेड एंड एन एप्लीकेशन कैन बी मूव्ड बिफोर द कोर्ट. लास्ट ऑप्शन, फ्यूचर इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड एंड इट शैल बी अ क्लेरिकल और अरिथमेटिकल एरर टू बी करेक्टेड ऑन एप्लीकेशन. तो अगर कभी डिक्री साइलेंट है फ्यूचर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग तो आपका वो माना जाएगा कि वो आपको रिफ्यूज कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा और इसके लिए आप अलग से कोई सूट फाइल नहीं कर सकते. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फ्यूचर इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज एंड अ सेपरेट सूट शैल नॉट लाई. क्वेश्चन नंबर 15, फ्यूचर इंटरेस्ट दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री टिल रियलाइजेशन कैन बी अवॉर्डेड. ऑप्शन ए, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, एट द रेट 9% पर एनम, और इज इट 6% पर एनम, या फिर डिपेंडिंग ऑन द प्रिवेलिंग बैंक रेट्स. करेक्ट आंसर है इसका 6%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 16, कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट कैन बी इम्पोज फॉर फॉल्स और वेक्सेशन क्लेम्स और डिफेंसेज, इम्प्रोबेबल क्लेम्स और डिफेंसेज, या फिर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, या फिर डी नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर है इसका ए, फॉल्स और वेक्सेशन क्लेम्स और डिफेंसेज. क्वेश्चन नंबर 17, इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट्स अंडर सेक्शन 35A एब्सॉल्व अ पर्सन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी दैट मे अराइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल जेओपार्डी. नेक्स्ट, बी ऑप्शन, डज नॉट एब्सॉल्व अ पर्सन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी दैट मे अराइज देयर फ्रॉम, सी मे और मे नॉट एब्सॉल्व फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी, या फिर डी द कोर्ट इम्पोजिंग कॉस्ट मे ऑर्डर फ्रॉम एग्जेम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी. ये क्वेश्चन है कि अगर आप कॉस्ट अगर आपके ऊपर इम्पोज की जाती है तो इससे क्या आप अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी आपके ऊपर खत्म हो जाती है, क्या ऐसा है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इट डज नॉट एब्सॉल्व अ पर्सन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी दैट मे अराइज देयर फ्रॉम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कॉस्ट अंडर सेक्शन 35A कैन बी इम्पोज्ड. क्या आप जो कॉस्ट है सेक्शन 35A में, क्या वो अपील में लगाई जा सकती है? ऑप्शन ए है आपका इन एन अपील, इन अ रिविजन, सी बोथ इन एन अपील एंड अ रिविजन, और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव. आंसर है इसका डी, नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, ऑन फेलियर फॉर फर्निशिंग सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट द सूट इज लाइबल टू बी स्टेड, डिसमिस्ड, रिजेक्टेड, या इधर ए बी और सी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. करेक्ट आंसर है इसका बी, डिसमिस्ड. ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिसमिस्ड और रिजेक्टेड में, तो ध्यान रखिएगा इसमें रिजेक्शन नहीं है, इसमें डिसमिस्ड है, डिसमिस्ड हो जाएगा आपका केस. लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 20, सेक्शन 34 मेक्स प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. सेक्शन 34 में जो इंटरेस्ट की बात की गई है जो कि आपको पे करना है, वो किस में पे करना होता है? कि किसी भी प्रकार का कोई सूट हो तो इन एनी डिक्री, इन मनी डिक्री, इन अ मनी डिक्री पास बाय हाई कोर्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर है इसका बी, इन मनी डिक्री. तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि स्पेसिफिकली इंटरेस्ट का जो टॉपिक है सीपीसी में उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन थे जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है. इसको आप अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपने देखा होगा कि बस इसे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया जाता है, बस 3000 का प्रोविजन पढ़ लिया,
35A में कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट भी है, बी में 35B में कॉस्ट ऑफ उसकी कॉजिंग डिले की बात करी है, तो बस इतना ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, इसमें नहीं, ये सेक्शन भी डीप है। और अगर आप इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन अब ये इस वीडियो में कवर अप हो चुके हैं, तो अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके जो इंटरेस्ट के सेक्शन से समझिए कि पूरे के पूरे कवर हो गए होंगे। तो आई सिंसियरली होप दैट यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कमेंटिंग एंड लाइकिंग माई वीडियो। और अगर अभी तक आपने टारगेट फॉर IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए, और इसमें बहुत ही डेली बेसिस पर सारी स्टेट जुडिशियरी से रिलेटेड या फिर APO से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो अपडेट करी जाती हैं। GK के भी करंट अफेयर्स इसमें बहुत जल्दी अपलोड भी होने वाले हैं, तो आप इसे देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।